कहाँ से आ रहे हैं भैया? हरियाणा। हाँ। कहाँ जाना है? बंगाल जाएंगे। बंगाल से जा रहे हैं। ये बाराबंकी की सरहद है, यहाँ कांग्रेस के सिपाही बाराबंकी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग। ये लोग यहाँ पे स्टाल लगाए हैं, कचौड़ी वगैरह सब इंतजाम है। क्या संदेश है आपका अपने मजदूर भाइयों के लिए? वो तो ठीक है, मुसीबत तो हुआ है जो हुआ, लेकिन क्या करेंगे, आगे से कुछ करने का कोई नहीं है। बहुत बहुत खराब स्थिति से गुजरना पड़ा आपको। इनको भी लीजिए, ये भी बंगाल से, सारे बंगाल से हैं। इधर आइए, आप भी बंगाल से, आप बंगाल जा रहे हैं हरियाणा से। हाँ, ये मजदूरों के साथ ये जो हाईवे पे पैदल चल रहे हैं, लगातार परेशान हैं। क्या लग रहा है, भविष्य में क्या उम्मीद है आपको? बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल कर रखा है। क्या नाम है आपका? नजरुल इस्लाम। आपका? बिलाल शेख। सर आपका बुरा, बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे क्या पोजीशन है? पैसा नहीं है, खाना पीना नहीं है, दिक्कत है बहुत। अभी होटल में कुछ खाना नहीं खाते है। मंत्री साहब खाना देता है। आप लोग कितने दिन फंसे रहे, कुछ खाने पीने का इंतजाम आप लोगों का रहा? नहीं, सरकार द्वारा लॉकडाउन हुआ, नहीं सही समय पर तो कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं मिला हम लोगों को अपना पैसा से। दो महीना खा के तब इधर आया। क्या उम्मीदें हैं मोदी जी से? कुछ नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो इस बार जाएगा मोदी जी, जाएगा और हमारी जो कांग्रेस आएगा वो भी जाएगा, वो भी जाएगा। कांग्रेस आएगा, कांग्रेस आएगा। ये हरियाणा से चलकर बंगाल जा रहे हैं। हाँ। ये श्रमिक भाई हैं, इनका दर्द है, और ये दर्द किससे सुनाएं? सरकार से निराश हो चुके हैं, और ये देख रहे हैं कि जगह जगह कुछ लोग हैं, ये कांग्रेस के सिपाही लगातार स्टाल लगाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। बात इंसानियत की है कि जब पूरे देश की धुरी कहे जाने वाला श्रमिक भाई, जिसके दम पे पूरी अर्थव्यवस्था चलती थी, लेकिन कोरोना का संकट आया तो आया, लेकिन इन गरीबों को क्यों बेसहारा छोड़ दिया गया, ये सवाल है इस सरकार से। और ये सरकार से सवाल कर रहे हैं भोले भाले लोग, जो सैकड़ों मील दूर चलकर मुंबई हरियाणा जैसे शहरों में जाकर के अपनी रोजी तलाशते थे और अपनी मेहनत से इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते थे। लेकिन आज ये सरकार इनसे कह रही कि आत्मनिर्भर बनो, ये तो पहले से आत्मनिर्भर थे, और इनका आत्मनिर्भर होने का ये सबूत है कि ये पैदल चल पड़े, किसी का सहारा इन्होंने नहीं लिया। ये सारे साथी बंगाल जा रहे हैं ना, सर हमारा बोलिए अपना बयान। सरकार द्वारा कोई मुहैया मिली आप लोगों को? सहूलियत नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। पैसा सब बहाल हो गया, हमारा ना पानी मिलता है, ना खाना मिलता है, ना चावल मिलता है, ना दाल मिलता है, हर चीज नहीं मिलता है। अपनी दूर से यहाँ बाराबंकी में आने तक कोई स्टॉल मिला आपको खाने पीने का? रास्ते में मिला, कांग्रेस पार्टी ने दिया बहुत, हर जगह कांग्रेस पार्टी ने दिया है, हर जगह दिया है, देख रहे हैं हम लोग, कांग्रेस भी दिया रहा है। अब देखने के बाद हमारा दिन आप लोग फंसे रहे, और क्या क्या वहाँ आपको झेलना पड़ा, इसके बारे में कुछ बताएं? बहुत मुसीबत झेलना पड़ा, ऐसा मुसीबत जिंदगी में कभी ना देखा। जो काम किया था मैंने, जो सुना था लॉकडाउन हो गया, पैसे नहीं दिया, ठेकेदार बताया लॉकडाउन भाया दिन मेरे पास आओ, ठेकेदार को पता ही नहीं, ना काम चल रहा है कंपनी का, ना पैसा मिल रहा है, ना खाना मिलता है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं देता। लोग लगा दिया रूम पे, क्या करेगा, खाना वाना नहीं है, भाग रहा है बंगाल में। आपको लगता है कि ये सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी वहाँ? ना मोदी जी खाना देता है, ना ममता जी देते है खाना, कोई भी नहीं दे, कांग्रेस भी देते चलिए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हमेशा, हमारा परिवार कांग्रेस परिवार आप लोग खड़ा है, हम सत्ता में नहीं है, सरकार में नहीं है, फिर भी हमसे जो बन सकता है हम लोग कर रहे हैं। टीवी भी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आएगा सुनते हैं, कौन सी पार्टी मदद कर रहा है, कौन सी बोल रहा है, बिल्कुल कांग्रेस से बोल रहा है, बाकी कोई पार्टी नहीं सबसे मदद करते हैं, कांग्रेस से बोल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सकुशल घर पहुँचे, धन्यवाद, ठीक है। इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले, इधर को बुलाओ।
उसको ब्लाउज महिला को दे देते हैं।